फिल्म शूट होने के और सारे गाने बन जाने के बाद आए थे बेसिकली. उन्हें फिल्म के लिए एक प्रमोशनल ट्रैक चाहिए था, तो ये फिल्म साल पहले शूट हो चुकी थी बेसिकली. और सो एवरी सब कुछ हो चुका था, तो बाद में उन्हें एक प्रमोशनल ट्रैक चाहिए था. दैट्स व्हेन दे केम टू मी. अमित सैनी की लिस्ट में जो मैंने गाना गाया है वो उसका नाम है ऐसी ही हूँ मैं, जो मैंने ही कंपोज भी किया है. बेसिकली ये गाना इट्स अबाउट वुमेन पावर, और बेसिकली के हम सिर्फ एक प्रिटी फेस ही नहीं है, हम में और भी बहुत कुछ है. हमारे भी सपने हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं. और सो बेसिकली ये गाना सिर्फ हमारे दिल में क्या है, यू नो, एज वुमेन, ये सिर्फ उसको दर्शाता है. एक गाना गा सकते हैं अमित साहनी का जो आपने लेटेस्ट गाया है, जो ऑपरेशन आप कह रही हैं. जी बिल्कुल. Not just a pretty face, I carry heart and grace. I'm not just nice legs and slim waist and boom papa. Don't put me in a box, can't tie me up with locks. I'm gonna do it my way, cause my world really rocks. Chalta nahi hai mujh pe aapka sikaso. Bas se dekho mujhe hoon main so much more. ना मैं अब ला नारी इन सम ओल्ड फैशन सारी, हाँ जी ना जी ये सब मैं ना करूँगी. I'm a bird in the sky, here to flap my wings and fly. जैसे जीना है मैं वैसे जीऊँगी. ना 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 ना. मुश्किल नहीं था. I think definitely challenges होते हैं, but क्योंकि मुझे, मैं जो करती हूँ मुझे इतना पसंद है, अपनी जॉब मुझे बहुत पसंद है, इसलिए चैलेंजेस जब भी आते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है, यू नो. अगर सब सिंपल होगा तो फिर क्या रहेगा. बट बेसिकली मैंने ये गाना जो था 2 साल पहले कंपोज करके रखा था. जो फिल्म के डायरेक्टर हैं अजय भुयान, वो जब मुझसे मिलने आए तो बेसिकली मैंने 3-4 गाने पिच किए थे जो नहीं, सिचुएशन के साथ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर नहीं जा रहे थे. फाइनली मैंने उनको ये गाना सुनाया एंड इट वॉज अ रॉक सॉन्ग, लेकिन उन्हें इतना पसंद आया कि कहते कि हम इसी ट्रैक के साथ कुछ करते हैं. सो फिर हमने उस रॉक सॉन्ग को एक EDM ट्रैक में कन्वर्ट किया. तो दैट वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जब मैंने बनाया था तो एक रॉक सॉन्ग था जैसे फॉर अ रॉक बैंड और समथिंग लाइक दैट. लेकिन बाद में जब वो EDM डांस ट्रैक बना तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो देखने का मजा आया. बहुत सारे हैं. पहला नाम मेरे दिमाग में आता है इम्तियाज अली. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ही बड़ी. उनकी फिल्म का जो म्यूजिक है वो इतना डिफरेंट होता है, इतना सोलफुल होता है, और पता लगता है कि जिस कंपोज़र ने कंपोज किया है उसकी सोल सुनाई देती है, यू नो. सो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आई डेफिनेटली वांट टू वर्क विद मिस्टर इम्तियाज अली. ऑलरेडी 2 फिल्मों पे काम कर रही हूँ मैं. एक फिल्म का नाम और उसके बारे में डेफिनेटली बता सकती हूँ, जिसका नाम है दिल फिरे. ये पुनीत प्रकाश डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं. उसमें मैं 3 गाने कंपोज कर रही हूँ. एक गाना मीका ने गाया है, एक गाना मैंने और अरिजीत ने गाया है, अरिजीत सिंह, और तीसरा गाना जो है वो सूफी सॉन्ग है जो 3 राजस्थानी फोक सिंगर्स ने गाया है. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. फॉर मोर न्यूज एंड गॉसिप्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन.